हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टुडे इज 20th ऑफ मार्च और देख ही रहे होगे आप, इस क्या कहते हैं मंथ में हम दोनों की एक साथ दूसरी ट्रिप है, तो पुरानी कसर सारी निकाल रहा है वो अभिषेक। अब ऊपर ऊपर वाला देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब इतना दिल भरा पड़ा था इसका कि अब तो भाई ट्रिप जब बोलो कह रहा चल भाई, ऑन है। और सीए बनने के, जब सीए बनने की पढ़ाई हो रही थी तब ये वॉल जो थी ना पूरी, ये पूरी चार्ट से भरी हुई थी। और अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखो नहीं। ये तो गिर रहे हैं, कह रहे सबको पता, अब पता लग गया ना सीए बन गया। अब अपने आप ही कह रहे भाई छोड़ो हटाओ, ये देखने को भी नहीं मिलने चाहिए। इतना टाइम भी नहीं मिला, इतना घूम रहा हूँ, इतना इन्वॉल्व, इतना टाइम भी नहीं मिला कि इनको उतार दूं फाड़ के। मतलब फाड़ना तो क्या, इनको रद्दी में डाल दूं, सारी किताबें रखी हैं अभी सब जाएंगी, ये सब। मतलब सीए बनने के बाद भी देख लो इतने काम, लेकिन सीए से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब तो अलग ही, अब बिजनेस चल रहे हैं। अगली मजदूरी भी फिक्स हो गई। हाँ, सो लेकिन अब मजदूरी नहीं है, अब मजदूरी नहीं है, पैसे मिलेंगे ना। पहले तो दिहाड़ी मिलती थी, तो वो वाली चीज है, अब जॉब लग गई है भाई की। ऑल्दो मई के मिड में इसकी ज्वाइनिंग है, काफी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्लान हमारा क्या है कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस बना, इसका तो जो भी वीकली ऑफ होता है उसी में निकल रहा है, ये भी कहाँ टिकता है भाई। हाँ, मतलब मेरी, मतलब दुनिया ऐसे सड़ रही है कि इसी महीने में मेरी ये तीसरी ट्रिप है, तीसरी तो मतलब चौथी होती, बट वो एक नहीं हो पाई तो तीसरी है। पहला आप इसका आपने व्लॉग देखा होगा इसका, जो गुरु भैया के साथ ये गया था राइड पे, वो यार छुट्टी नहीं थी भाई, वो छुट्टी नहीं थी। सेकंड हम लोग गए मनाली, उसके मनाली से आने के बाद ये गोवा हो क्या है उसका व्लॉग आप लोग नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा ही इन्वॉल्व रहने वाली ट्रिप थी। सीए बनने का वो देख रहे हो चस्का, इसको लग रहा मनाली हो क्या है। उसके बाद मैं जैसी, जिस दिन मैं सुबह आया गाड़ी से और मेरी दोपहर की फ्लाइट थी, तो मैं गया गोवा। जिस, बाय द वे, जिसने जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि गोवा की काफी सारी रील्स आ चुकी हैं, काफी सारी मतलब चार। तो वो काफी इंटरेस्टिंग बनी है मेरे हिसाब से, तो आप भी बताओ कितनी इंटरेस्टिंग बनी है नहीं बनी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है द अनटर्न चैप्टर्स। और अब हाँ, कमिंग बैक टू द प्लान दैट वी हैव फॉर टुडे, अभी का प्लान भी एकदम मतलब 10 मिनट में प्लान बोलते हैं ना जिसको, पहले 10 मिनट में पैकेज बुक, 10 मिनट में टिकट्स बुक। हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल देहरादून, देहरादून की हमारी बस है रात की 12 बजे की, वहां से हम लोग जा रहे हैं अल्टीमेटली नागटिब्बा ट्रैक करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, जब हम मशोबरा गए थे तो हमारे साथ शिवांग गया था, तो उससे हमारी काफी बात हुई और वो काफी ट्रैकिंग पे गया है, तो हमने कहा कि हम भी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द इजीएस्ट एंड क्लोजेस्ट ट्रैक टू दिल्ली, नियर दिल्ली। तो नाउ हमने कहा कि छुट्टी है, और मेरे को इसने कहा था कि भाई, मतलब मैंने इससे बात की थी जी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही, जब भी मेरे दो वीक ऑफ आएंगे एक साथ, सो वी विल ट्राई टू गो ऑन अ ट्रिप। तो ऐसे ही बना प्लान, हम स्केप्टिकल थे काफी कि जाएं ट्रैकिंग पे कि नहीं जाएं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन था कहीं राइड पे चले जाएं, बट अब हमने कहा जय माता दी लेट्स रॉक। ऐसा कुछ नहीं ट्रैकिंग पे जाएगा, ट्रैकिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये दिक्कत थी। अभी यही तो सस्पेंस है, ये हमारे लिए भी सस्पेंस है, तो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में पता लग ही जाएगा क्या वाले भैया आ गए। फटाक से कैब आ गई थी, आपने शॉर्ट्स देखे बीच में, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम जा रहे हैं देहरादून, देहरादून की बस है हमारी, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे नागटिब्बा ट्रैक के लिए। बहुत छोटा ट्रैक है, बिगनर्स के लिए बहुत मतलब बहुत जरूरी है कि इजीएस्ट ट्रैक, जैसा मैं पहले बोल रहा था, इजीएस्ट है लिखा होता है कि इजीएस्ट ट्रैक है, बाकी हमारे लिए ये हो रहा है कि यार 11 किलोमीटर चलना है। बेसिकली इट इज 4 किलोमीटर स्टिल बेस कैंप और उसके ऊपर समिट तक इज 7 किलोमीटर मोर। बेसिक माइंडसेट लेके आए हैं, बेसिक इक्विपमेंट लेके आए हैं, सब कुछ। इक्विपमेंट भी छोड़ो, इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि डीकैथलॉन जाके दोनों ट्रैक पैंट ले अपने लिए ट्रैकिंग के लिए, और ऐसा पहली बार ही हो रहा है। मेरे को इतना ऑकवर्ड लग रहा है ना कि मैं सिर्फ एक बैकपैक के सहारे जा रहा हूँ दो दिन के लिए, चाहे दो दिन की भी ट्रिप हो ना, तो भी मेरे को एक बैकपैक प्लस एक डबल बैग लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा सामान बहुत सारा पैक करने की आदत है। तो अभी अजीब सा लग रहा है कि एक, मतलब पूरा था दिमाग में कि एक बैकपैक में सामान आ जाएगा, इतने में हो जाएगा, कुछ रह तो नहीं गया, और इसको भी हो रही वो चीज़। आदत है ना यार, बाइक पे सामान ला दो उतारो फिर ला दो, पर मतलब हमारा जैसे जैसे आप देखेंगे ना हमारी ट्रिक, एकदम रॉ एक्सपीरियंस होगा, हमारा भी पहला और आपके लिए भी रॉ होगा अगर आप ट्रैकिंग पे नहीं गए हैं।
ये जो ट्रैक है ना, ये जनरली स्नो ट्रैक है, क्योंकि ये ज्यादातर मजा तभी आता है जब आप स्नो में करते हो। मेरे पर कोई आइडिया नहीं है, इसने रिसर्च करा। हाँ, मतलब स्नो ट्रैक है ये, लेकिन अभी क्या है, मतलब अगर स्नो वहाँ पे नहीं होती है तो वहाँ पे सनराइज का मजा उठा सकते हो। और हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि हम पहले जाएं देहरादून मतलब बेस कैंप तक, फिर बेस कैंप से अगले दिन हम लोग समिट तक जाके वापस आ जाएं। ये दूसरा पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फर्स्ट डे समिट चले जाएं, वहीं पे कैंपिंग करें और सेकंड डे नीचे उतर जाएं। तो हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया फिलहाल के लिए। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे हैं EDM मॉल के पास। यहाँ से हमारी बस जाएगी देहरादून के लिए एंड वी विल बी वेटिंग फॉर आवर बस। ये भाई की मिडनाइट स्नैकिंग चलते हुए। अभी हम सुबह जब डिकैथलॉन से आए थे, उसने जब ही ना लास्ट किया था शायद, सही कहा था। तो 6:15 वी रीच देहरादून, जहाँ पे हमें वॉल्वो ने उतारा था। उसके बाद हम उबर करके आ गए, क्योंकि जहाँ से यहाँ बेसिकली जो भी कौन सी जगह है, तहसील चौक जहाँ से हमें आगे गाड़ी लेके जाएगी। यहाँ पे ओला नहीं चलती है, उबर चलती है बस। हाँ, ये भी यही हमें अभी जब हम चेक कर रहे थे, हाथ में ब्रश देख के आपको पता लग रहा होगा कि हम बेसिकली फ्रेश होने आए थे बिफोर वी लीव फॉर द गाड़ी। बट भाई बस की राइड एक नंबर, क्या नींद आई है ना बस में पहली बारी। और जहाँ बस रुकी है उसके पास पहाड़ थे, पहाड़ों पे बर्फ थी भाई। हमने ये मैंने नहीं देखा, इसने देखा तो बहुत कम थी, लेकिन थी। देखते हैं आगे जाके भी प्रॉबेबली मिल जाए हमें ट्रैक पे मिल जाए। अभी ना वैसे जो हमें लेके जा रहे हैं ना, एक जो नहीं थी बड़ी गाड़ी जिसके अंदर बहुत सारे लोग, टवेरा सुमो कह लो या तूफान भी कहते हैं, तूफान फोर्स का तूफान आता है वो, तो वो है। अभी तो हम चार ही लोग हैं। हाँ, फिलहाल हम लोग ना हम लोग पहले थे, क्योंकि मंडे से कोई ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करता, सब लोग वीकेंड गेट अवे के लिए जाते हैं। लेकिन हम दोनों थे सिर्फ इस पैकेज में, बाकी दो लोग और ऐड हुए हैं। अभी हमें पता हमें नहीं पता, हमारे साथ दो बंदे और गाड़ी में जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि वही है कि नहीं है। हाँ, तो ये भी हम लेटर ऑन हमें पता लगेगा कि हमारे साथ और ग्रुप में कौन है। वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर द ट्रैक। हम यहाँ पे पटवारी पे आ गए थे 11:30 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक जगह रुकवाया हमें, जहाँ पे खाना वाना खिलाया, और अब हम निकल रहे हैं ट्रैक की स्टार्टिंग के लिए। ऑलरेडी लेट है, हमारे लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे दो लोग जो हमारे साथ आए थे जो हमारे साथ जा रहे हैं। और आधा आधा सामान हमने कर लिया है, क्योंकि हम कल ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड है उतना लेके जा रहे हैं। एक ही बैग विच अभिषेक इज कैरिंग फॉर नाउ, हम आधा आधे रास्ते में चेंज करते रहेंगे। तो अभी यही है प्लान बेसिक, कि हमें बेस कैंप तक जाना है। जो हम ऑप्शन बता रहे थे वो नल एंड वॉइड है। तो बेसिकली 4 किलोमीटर्स की बेस कैंप तक की ट्रैक है, आज रात को वहीं रुकेंगे। उसके बाद उसके आगे 6 किलोमीटर्स का समिट है, तो हम वो कल सुबह जाके वापस आ जाएंगे। और कल फिर दिन खल्लास। ये सिर्फ 200 मीटर करने के बाद की इसकी हालत है। और अभी हमें पता नहीं है, अभी इसने दो कदम चलते ही इसने रास्ता कितना डिस्टेंस बचा है वो पूछ लिया था। यार फन तो होना चाहिए ना भाई, ट्रैक करने आया है, पहली बार ही करने आया। और दूर ना, दूर से निशानी है नूब्स की, सिर्फ हमारे पास छड़ी है, बाकी अपने पैरों के सहारे। आठ लोग आए हैं, आठ में से दो के पास छड़ी है। यार अपने गाइड से भी आगे हैं, हम काफी आगे हैं, क्योंकि हमारी एक गलती है, हम जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम ज्यादा थक रहे हैं। वो होता ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएंगे। चलो भाई चलो यहीं बस। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। A few moments later, पहले उल्टी मार दी। वो एक्चुअली क्या था कि जस्ट खाना खा के निकले थे, मुझे भी लगा था कि हो जाएगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उल्टी होगी होगी, और हो गई। क्योंकि एकदम से वर्कआउट काइंड ऑफ किया है कार्डियो खाना खाने के बाद, तो सब निकल गया, सारा खाना वेस्ट। यही बुरा लग रहा है। अभी हमारे अंदाजे से 1 किलोमीटर तो हो गया होगा यार, एक किलोमीटर हो गया होगा, और अभी 3 किलोमीटर और है बेस कैंप तक। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली हम चढ़ रहे हैं ऊपर। हमारे साथ कुल मिला के टोटल अब 8 लोग हो गए हैं, मतलब हमें मिला के 8 लोग हैं टोटल। और
व्यू तो थोड़ा अच्छा है, पर क्या है ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। तो जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ये स्नो ट्रैक है, तो उसकी अपनी डिफ़िकल्टीज होंगी स्नो ट्रैक की, पर हाँ धूप में भी बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। जलपरी बन के बैठा वो, मेरा फट गया, कार्तिक का फट गया। कार्तिक का बेसिकली ये कहना है, उसका इसमें एक्सपर्टीज नहीं है एंड इज आउट। कार्तिक के लिए मिल गया बीच रास्ते में एक वरदान, आंटी पिलाएंगी नींबू पानी। क्या ट्रैक पे हमारे साथ एक डॉग ज़रूर होता है, और नाग टिब्बा के ट्रैक पे भी एक हमारे साथ एक साथी है। मेरे ख्याल से वो कार्तिक को बढ़ावा दे रहा है, कार्तिक के पीछे भाग रहा है कि बगले साले नहीं तो काट लूँगा, क्योंकि वो सबको पीछे छोड़ के बस कार्तिक के पीछे पीछे जा रहा है। कार्तिक यही है तेरा मोटिवेशन। 4:15 पहुंच गए थे हम अपने कैंप्स पे, विच इज द बेस कैंप, और अभी हो रहे हैं 5 बजे। क्या टाइम हो रहा है? 5:15 का टाइम हो रहा है। एक घंटा लगा इसको सेट होने में कि ये व्लॉग कर पाए। हाँ भाई, अपने को होश था ही नहीं, मतलब अजीब सा ही सीन हो रखा। अभी भी बहुत ज्यादा थकान रख के, ये तो भाई नहा भी नहीं है, इनको दे ठंडे ट्रैक के लिए तैयार ठंडे पानी से। और हाँ, ये मैंने इसको बोल दिया, मेरी आवाज ही देख लो ना कितनी लो लो लग रही है, लो लो। तो ये जा रहा है कल समिट, मैं तो नहीं जा रहा, साफ सीधी बात है। अपने बस की जो थी वो हो गया। इतना बड़ा टेंट है हमारा, रूप बदलते हैं। इतने बड़े टेंट में हम दो मानुष सोएंगे, दो माइये आदमी भी और मैं भी। नहा धो के रेडी सेट एकदम, पकौड़े के नाम पे पता नहीं चिप्स लग रहे हैं मेरे को शायद, बाकी खा ही लेंगे। ये सूरज की चमकान देखिए आप हमारे चेहरों पे, सन स्मूज्ड। बहुत मजा आ रहा है, मतलब नहा धो के तो एकदम सेट। अभी कार्तिक भी नहाने जाएगा उसके बाद, अगर मेरे में जिगरा रहा तो, क्योंकि ठंडा पानी है और धीरे धीरे मौसम और ठंडा होता जा रहा है, तो एक ये भी सबब है मेरे लिए। और जब फटने तक, का जब तक कल नहीं हो जाती तब तक आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको कन्विंस करें, क्योंकि यार एक और फैक्टर क्या है ना कि कल हमारे पास सामान भी कम होगा, और ये फीडबैक आ गया है पकौड़ों का, बैग में रखते खाना है बस यही है, कोई नहीं। सो डिजिटल उत्तराखंड आपसे डिजिटली ठीक है, बाकी सब आपका कुछ फोटो ही भेज दो आप व्हाट्सएप पे। चलो लेट्स, अब इंजॉय तो नहीं बोलेंगे, पकौड़े इंजॉय करते हैं, खाते हैं। लेट अस हैव द पकौड़ास एंड यू हैव व्हाटसोएवर यू वांट टू हैव। थोड़ी इंग्लिश ठीक करके अपने आप टिक टिक ले लेना। हाँ, अब ये सेंट जॉर्जेस छोड़ो। ओके बाय। So the sun is about to set. It is 6:15 right now. We both have taken a bath और evening snacks हमारे हो गए हैं, और कल का प्लान जैसा नहाने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा जगह पे आया, तो थोड़ा साफ हो गया ना ये। तो आई विल ट्राई टुमारो टू रीच द समिट, आई विल हेड टुवर्ड्स द समिट। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसको साथ ही ले आऊंगा फिर, जितनी कोशिश करेंगे इसको साथ नीचे ले आऊंगा मैं 1 किलोमीटर बाद। कर तू यही कर भाई, कोशिश सुन ले भाई, एक दोस्त का काम क्या होता है। हाँ, सुनाओ, ये ज्ञानी है, आ वो आए हैं ये सदगुरु, पूरे टाइम साथ रहना भाई, साथ साथ आगे बढ़ के लेके चलूंगा इसको, ठीक है ना। वो ये नहीं कि जबरदस्ती वाला सीन नहीं है वो। अरे यार, मेरे को मैं मैच्योर इनफ कि मेरे को पता मेरी कैपेबिलिटी कितनी, जब मैं आया था मेरे बस की नहीं थी, अभी भी मेरे बस की नहीं है। मेरे बस की सही बताऊं तो बेस कैंप तक पहुंचना नहीं था, मैंने अपने आप को पुश करा। इट इज बिकॉज इट इज़ बिकॉज क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते कोई वर्कआउट नहीं चल रहा है भाई। मेरी लोअर बैक पेन कर रही है, मेरी काफ्स पेन कर रही हैं, मेरे ग्लूट्स पेन कर रहे हैं, तो भेजा पेन कर रहा है, बस दिमाग ख़राब हो रही है अपना। तो वही है, मतलब मैं अभी जैसे तैसे आ गया, अब मैं एक फर्दर पुश मारने के लिए बोल दिया है कि मैं कल स्टार्ट तो कर रहा हूँ, अब आई एम नॉट श्योर कि कितना ऊपर तक मैं जा पाऊंगा। और मेरा ये जो फर्ज बनता है और जो मैं करूंगा इसके पुश में इसका साथ दे सकता हूँ, पुश में और ऊपर तक लेके जाऊंगा यार इसको, आई ट्राई। नहीं तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ये तो जा ही रहा है, देखो इसने तो जाना ही जाना है, बीच रास्ते में कैमरा पकड़ा देगा मेरे को, बस ये ले भाई तू ये, तब तेरे मेरे रास्ते दो व्लॉग मिलेंगे, एक नीचे जाने वाला, दो पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यही है, अभी बेसिक प्लान क्या है यहाँ पे। अब एक तो ये कह रहे हैं कि रात को 3 बजे निकलना है, ये नई बकचोदी है यहाँ पे, क्योंकि सुबह सनराइज देखने के लिए आपको टाइम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार किलोमीटर का ट्रैक है
तो ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे उसमें। ऑलरेडी हम दोनों स्लीप डिप्राइव्ड हैं, हालत नींद ही पूरी नहीं हो रही, गाड़ी में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, यूं यूं हो रहे हैं, और आप फिर 3 बजे उठना है, 3 बजे तो निकलने को कह रहे हैं, तो आई गेस ये हमें 7-8 बजे खाना खिला देंगे और उसके बाद कहेंगे आप सो जाओ। वी एंड आवर डे व्हिच इज 21st of March, अभी बज रहे हैं 10 और सुबह अभिषेक इज ऑल प्रिपेयर्ड टू गो फॉर द समिट। अपन तो जाएंगे, मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि अपने एक नैप ली उसके बाद बॉडी बोल गई क्योंकि अभी मेरे को पता है मेरी बॉडी कैपेसिटी क्या है और अभी नीचे 4 किलोमीटर उतरना भी है जिसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मेरे साथ इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ूँ फिर वापस आऊँ और फिर 4 किलोमीटर चढ़ूँ। बाकी कार्तिक का साथ देने के लिए एक और बंदा है जो सबसे लास्ट पहुंचा था, तो कार्तिक मैं उसका साथ दे रहा हूँ भाई, ऐसे गलत मत बोल, मैं उनका साथ दे रहा हूँ यार, वो उनका फर्स्ट डिसीजन था कि वो नहीं जाएंगे और मेरा डाइस ही था बट मेरा बाद में कन्फर्म हो गया। तो 6 बंदे हैं हम टोटल जाने वाले ऊपर, तो कल का व्लॉग आपको दो फेज़ जब तक आएगा तब तक तो मैं सो के उठूंगा, चलो जो भी है देखी जाएगी वो, बाकी देखते हैं अगर उठ गया तो ऑब्वियसली मैं करूंगा व्लॉग जैसे भी है अपने पार्ट पे। बस अभी हमने डिनर करा, बहुत बढ़िया खाना था, कॉफी बनवाई, बहुत बढ़िया कॉफी थी। इनको एक्चुअली क्या है 2 बजे उठना है ताकि ये 3 बजे निकल पाए, और ये सिनेमैटिक वगैरह हम इसलिए ज्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये स्ट्रगल मेरा मेरे को खींच के आगे ले जाने के लिए, और मैं तो वैसे ही स्ट्रगल इतना कर रहा था ऊपर तक चढ़ने के लिए। विद दैट वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग टू सी अभिषेक भी कहाँ तक जाता है, ये चला जाएगा वैसे जिस हिसाब से चल के आया है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का पूरा देखना और कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा, एंड अप्रिशिएट करना कि ये तो जा रहा है और मेरे को तो थू-थू कर देना। सो टिल देन फाइंड योर ओन रीजन टू स्माइल बट डू स्माइल एवरी डे।